नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनुष्का किचन में। आज मैं जा रही हूँ अंडे और पालक की रेसिपी बनाने। ना आपने कभी खाया होगा, ना इसका नाम कभी सुना होगा। ये बहुत ही अलग रेसिपी बनती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ में सूप तड़का ही बनाऊंगी जो इसके साथ खाया जाता है और खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलते हैं खेत से, पालक और प्याज के पत्तों को लेते हैं रेसिपी बनाने के लिए। तो खेत में हम आ गए हैं और यहाँ से ताज़े पालक को उखाड़ लेते हैं। अब चलते हैं प्याज के पत्तों को लेते हैं। तो हम प्याज सहित पत्तों को भी ले लेते हैं यहाँ से, प्याज सहित उखाड़ लेते हैं इसको जितना हमें ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने चूल्हे के पास। यहाँ पर मैंने खेत से ताज़े पालक लिए हैं और गाजर लिया है, मार्केट से मंगाया है, और प्याज के पत्तों को लिया है। सबसे पहले हम पालक के पत्तों को, जो किनारे वाला भाग है इसका जड़, उसको हम काट के हटा लेते हैं पहले। फिर इसको साफ पानी से हम पालक को धोएंगे। पालक का जो डंठल था हमने हटा दिया, अब इसको साफ पानी से हम धोएंगे। पालक को हमने साफ पानी से कई बार धो लिया था, अब इसको हम काट लेते हैं। पालक को मैंने काट लिया है, अब गाजर को काटेंगे हम। गाजर को हम पतला पतला काटेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, हमने गाजर और पालक को काट दिया है। गाजर को हमने इस तरीके से काटा है। अब पतीले में हमने पानी लिया है, इसको चूल्हे पर रखेंगे गर्म होने के लिए। पानी गुनगुना हो गया हमारा, अब इसमें कटे हुए गाजर को हम डाल देते हैं पानी में। इसको हल्का सा नरम होने तक पानी में हम उबाल लेंगे। गाजर को हमने नरम होने तक उबाल लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं पानी में से। गाजर को हमने उबाल लिया है, इसी तरह हम पालक को भी उबाल लेंगे नरम होने तक। तो इसी पानी में हम डाल देंगे, गुनगुने पानी में ही। जब तक हमारा चूल्हे पालक उबलता है, इधर यहाँ पे मैंने दो अंडा लिया है, इसको हम फोड़ लेते हैं पहले। अब इस अंडे को अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे इस तरीके से। अंडे को मैंने फेंट के रख लिया। अब हम प्याज के पत्तों को भी काट लेते हैं। गाजर देखिए हमारा ठंडा हो गया, उबला हुआ, तो इसको हम बड़े वाले पतीले में इस तरह से फैला कर डाल लेते हैं। अब हम उबले हुए पालक को भी निकाल लेते हैं इसी थाली में। पालक भी हमारा उबल गया है, इसको निकाल लेते हैं। पालक का जो पानी था मैंने हटा दिया है, अब पालक को भी इसी में डाल देंगे फैलाकर। पालक और गाजर हमने साथ डाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे अंडे का घोल, जो हमने अंडे फेंटे थे वो डाल देते हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे प्याज के पत्तों को डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और यहाँ पे हम काली मिर्च भी डालेंगे थोड़ा सा। दो चम्मच हम बेसन डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें गेहूं का आटा भी डालेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे थोड़ा सा। रिफाइंड तेल को अच्छे से मैदे में मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे का डो हम तैयार कर लेते हैं। मैदे का डो मैंने सान कर तैयार कर लिया है। अब इसका हम रोटी जैसा इसको बेलते हैं, एक लोई लेते हैं हाथों में इस तरीके से गोल गोल करते हुए। अब इसको हम बेलेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा पैथन लगा लेते हैं।
तो इसको देखिए हमने बेल लिया है रोटी जैसा, इसको हम इस साइड साइड से हम काटते हैं पहले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भाग में। इधर से भी इसको हम काटेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो मैंने गाजर और पालक का स्टफिंग बनाया था इसके ऊपर से रखेंगे इस तरीके से। अब इसको हम फैला लेंगे, अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने जाली थाली लिया है और पतीले का पानी जो कि हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको उबालेंगे। थाली को रख देते हैं, इसके ऊपर रिफाइंड तेल लगाते हैं थाली के ऊपर, इस तरीके से फैला कर लगा देते हैं। अब इसको उठा के हम रखते हैं इस तरीके से, उठाकर हम इस पर ऐसे रख देते हैं, ऐसे हम और बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों रोल करके इसी तरीके से हमने बनाकर थाली पे रख दिया है। अब इसको हम एक थाली से ढक देते हैं कि ये भाप से अच्छे तरीके से हमारा जो रोल है पक जाए। यहाँ पे देखिए जो मेरा रोल था वो पक गया है, इसको हम उठा के इधर रख लेते हैं थाली में। यहाँ पे मैंने आधे चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया है, इसको मैं गरम कर लेती हूँ उपले की आग में। यहाँ पर मैंने तेल भी रखा हुआ है गरम होने के लिए, थोड़ा सा आग निकाल के रख देती हूँ ये भी गरम हो चूल्हे पे। यहाँ पे देखिए लहसुन की कली को मैं इस तरीके से काट रही हूँ। रोल के साथ खाने के लिए यहाँ पर मैं सूप तड़का बनाने जा रही हूँ। सभी सामग्री को मैंने इकट्ठा कर लिया, अब इसमें मैं डालती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन कलियाँ ले रखी, इसको डाल देते हैं कटा हुआ, इसको डाल देते हैं। प्याज के पत्ते को डाल देते हैं। लाल और हरी मिर्च काटा, इसको भी डाल देते हैं साथ में। और सफ़ेद तिल भी यहाँ पे मैंने लिया, इसको डाल देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें मैं गरम तेल डालूंगी। अब इसमें मैं डालती हूँ काला नमक और वाइट नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का जो घोल तैयार करी थी गरम करके, वो डाल देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सोया सॉस डालूंगी थोड़ा सा। यहाँ पर मैं डालूंगी विनेगर। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मेरा सूप तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं रोल को काटते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो रोल था ठंडा हो गया है और अलग भी हो गया है, इसको अब हम काट लेते हैं इस तरीके से। इसको हम काटेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए काटने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं अंदर से, तो इसको हम थाली में रख लेते हैं। ऐसे ही हम और काट लेते हैं, सभी पीसों को इस तरीके से काट के रख लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा रोल बनकर तैयार हो गया और कितना खूबसूरत ये देखिए लग रहा है दोनों तरफ से, देखिए और बहुत बढ़िया एकदम ये लग रहा है। तो आपको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे खाना है। तो सूप तड़के में इसको हम लगाते हैं इस तरीके से, डुबोते हैं। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं खाने में कैसा लग रहा है। ये बहुत टेस्टी बना हुआ है और हेल्दी भी है सेहत के लिए। तो ये था हमारा न्यू रेसिपी। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे रोल और सूप तड़के के साथ खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा है खाने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये आप लोगों को न्यू रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।